दोस्तों वाईफाई का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा, बहुत सारे यूजर उसको चीज को यूज भी करते ही होंगे। दोस्तों जानने की आपने कभी कोशिश करी है कि ये जो वाईफाई जो चीज है वो होती क्या है? दोस्तों देखते रहिए मेरी आज आप इस वीडियो को, मैं आज आपसे इन्हीं बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी, आप देख रहे हैं टेक्सन। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वाईफाई तो जो मैं अगर आपसे बात करूं, ये जो चीज है हमको एक नीड ही बन चुकी है एक हर एक पर्सन की। अब दोस्तों मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप पहले इस चीज की बात करें तो आप क्या कहेंगे, भैया हम जो है अपनी फोटोज है कुछ वीडियोज है वगैरह वगैरह उसको हवा में सेंड कर देंगे, जो कि बेसिकली होगा वायरलेस तरीका। अब दोस्तों मतलब कोई यकीन करेगा? मतलब आप जगह पहले की बात करें, हम पहले के टाइम की, तो उसमें आप अगर ये चीज बात करेंगे तो उसमें वो कोई बंदा यकीन करेगा क्या? दोस्तों मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो वाईफाई है मतलब हम जो है यूज करते हैं कुछ स्मार्टफोन्स में, पीसी, लैपटॉप्स और कुछ 50 तरीके के कुछ ऐसे ही डिवाइस है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 2 वीक कम्युनिकेशन दिखती है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिवेव्स के बारे में आपसे अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है कुछ रेज, जैसे कि इंफ्रा रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, माइक्रो रेज, रेडियो वेव्स। दोस्तों ऐसी बहुत बहुत तरीके की हमको जो है वेव्स देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम जो है काम में लेते हैं वाईफाई के अंदर अपने फायदे के लिए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। अब दोस्तों ये तो समझ आ गया कि हमको जो है मतलब यूज में देखने को मिलती है वाईफाई के अंदर रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी यही आता है हमारे पास कि जो चीज है, जो डाटा है, वो एक तरीके से जा कैसे रहा है, मतलब किस तरीके से जाएगा वो हमारे पास। दोस्तों पहली बात तो हम जो है इन वेव्स को विजिबल नहीं कर पाएंगे, मतलब देख नहीं पाएंगे अपनी ये जो वेव्स है हमारे पास। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात कहूं कि मतलब आप तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी ही लैंग्वेज समझता है। अब दोस्तों हम जो है डाटा भेजेंगे कुछ मतलब फॉर्म में, जैसे कि फोटोज वगैरह होंगी, कुछ वीडियोस वगैरह होंगी, तो उनको जो है मतलब फॉर्म जो है थोड़ी अलग हो जाएगी। बाइनरी फॉर्म में अलग आपसे बात करूं कंप्यूटर के अंदर, यानी कि 0 और 1, यानी ऑन और ऑफ। तो मतलब हमें जो है सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता है किसी भी डाटा तरीके को, ताकि हमको देखने को मिल जाए एक बढ़िया सा ही आउटपुट। दोस्तों बात करते हैं जो वाईफाई में हमको जो नेटवर्क देखने को मिलते हैं वो तरीके के किस चीज के होते हैं। मतलब मैं आपसे अगर बात करूं, आप जो है मतलब एक पत्थर फेंक रहे हैं किसी बड़े से तालाब में बीच में। अब दोस्तों उसमें होगा क्या, उस पत्थर के बाद मतलब जो हम फेंक देंगे उस पत्थर को किसी बड़े से तालाब के अंदर, तब हमको दिखेंगी कई सारी वेव्स। अब दोस्तों वो जो वेव्स हैं कुछ फॉर्म करती है सर्कुलर वे में। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं, अगर हम देख पाते हैं कुछ वाईफाई के अंदर जो नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं कुछ रूटर वगैरह में, तो हमको जो है कुछ ऐसे ही तरीके के सर्कुलर वे में कुछ वेव्स दिखाई देती। हम दोस्तों आपसे अगर बात करूं मोबाइल फोन्स के अंदर भी हमको जो है नेटवर्क जो देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे पास हो 1G, 2G, 3G, 4G और आज की मैं आपसे अगर बात करूं तो 5G भी। दोस्तों हमें उसमें भी ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं अगर हम कोई भी तरीके की वेव्स को अगर हम देख पाते। अब दोस्तों मानिए कि मैंने अपनी क्लास में बोला कि आप ये वाला काम करके दे दीजिए, तो उसमें होगा क्या कि जब हम उससे बात करेंगे उसके पास तो जो है वो बात हमारी पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद वो जो बात जो हमने उससे कही वो पूरी क्लास के सुनाई दे जाएगी। अगर हमें जो चीज है वाईफाई के अंदर भी ऐसी ही चीज देखने को मिलती, तो हम जो है ऐसे वाईफाई को लेना तो बिल्कुल ही खरीदना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों वाईफाई में ऐसा नहीं होता हमारे पास। जिसको भी हमें जो नेटवर्क से थ्रू जो भी डाटा, फोटोज वगैरह हो, चाहे उसके अंदर वीडियोस वगैरह हो, मतलब कुछ भी चीज हो, वो सिर्फ उसी के पास जाएगी जिसपे हम सेलेक्ट करके भेजेंगे। तो दोस्तों मतलब ऐसी ही तरीके की हमको जो है साइंस से रिलेटेड नॉलेज जो है इस चीज में हमको इंस्टॉलेशन मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाते हैं कुछ ऐसे नेटवर्क जैसे कि 1G, 2G, 3G, 4G और आजकल तो 5G वगैरह भी। अब दोस्तों वहीं पर ही मैं आपसे अगर दूसरी जगह बात करूं वाईफाई के अंदर, जहां पर हमको देखने को मिलती है 802.11a, 802.11b, 802.11c, g, n और ac और 8d भी वगैरह भी जो हमको आजकल देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं वहीं से आपसे बात करूं, इसमें हमको और भी मतलब फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, कुछ अलग अलग तरीके के बैंड्स जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों वाईफाई जो है हमको मतलब ऐसी चीज देखने को मिल जाती है कुछ वायरलेस तरीके से बनाया जा रहा है, कुछ वायरलेस तरीके से जो है हमको इस चीज के अंदर आगे को देखने को मिल जाएगी, जिससे कि हमको देखने को मिलेगा एक बढ़िया ही तरीके का नेटवर्क भी, बढ़िया ही तरीके की रेंज भी। अब दोस्तों वाईफाई के अंदर मैं आपसे अगर बात करूं फ्रीक्वेंसी के अंदर हमको देखने को मिलती है कुछ बैंड्स, जो कि मिलते हैं हमको 2 तरीके के। दोस्तों पहला हमारे पास आता है 2.4 GHz के साथ और दूसरा हमारे पास आता है 5 GHz के साथ। अब दोस्तों मैं आपसे अगर पहले बात करूं 5 GHz वाले के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ बैंड जो हमको देखने को इसके अंदर मिला, उसके अंदर हमको मिलती है एकदम बढ़िया ही तरीके की स्पीड, लेकिन उसके अंदर जो है हमको देखने को मिलती है कम
रेंज दोस्तों, मतलब उसकी जो रेंज होती है बिल्कुल ही मतलब कम होती है। और मैं आपसे अगर बात करूं 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ जो हमारे पास वाईफाई देखने को मिल जाता है, वे की जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो बैंड देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो है नेटवर्क की जो स्पीड है काफी स्लो मिल जाती है एज कम्पेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज वाले से। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं इसकी रेंज के बारे में, दोस्तों इसकी रेंज है बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है दोस्तों। बस लेट्स सी की देखना यही रहता है कि हमारे पास जो है वाईफाई देखने को मिलेगा उसमें हमारे पास अगर अच्छी बढ़िया ही तरीके की नेटवर्किंग स्पीड मिल जाती है और इसी के साथ हमारे पास जो है रेंज वो भी बढ़िया देखने को मिल जाती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया देखने को हमारे पास इसमें बात मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं, हमारे पास इस चीज का जवाब तो अभी तक तो मिला ही नहीं है कि हमारे पास जो डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट एक तरीके से होता कैसे है। दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं किसी ऐप के थ्रू, वो है यूट्यूब। अब दोस्तों आप जो है किसी भी डिवाइस में अगर देख रहे हैं और वो डिवाइस जो है आपके कनेक्ट है किसी अपने वाईफाई से, अब दोस्तों इसमें होगा क्या, हमारे पास जो वाईफाई के थ्रू जो भी डाटा हमारे पास देखने को मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर जो हमारे पास फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं तो उसमें होगा क्या, जो भी हम जो है स्क्रीन जो है वगैरह यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो लगे हुए हैं पिक्सल्स, अब दोस्तों उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कुछ पहुंचेगी 0 और 1 की फॉर्म में। अब दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास जो है वेव्स के अंदर कई सारे पैरामीटर्स जो है देखने को मिल जाते हैं। मैं आपसे अगर बात करूं फ्रीक्वेंसी के बारे में, अगर दोस्तों हमारे पास जो है इस वीडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही देखने को मिल जाती है तो उसका मतलब हमारे पास आ जाता है 0। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एकदम नॉर्मल तरीके की आ जाती है तो उसके मतलब हमारे पास निकल के आ जाता है 1। अब दोस्तों मैं आपसे एक इसके अलावा भी बात करता हूं कि आप मान लीजिए आप किसी भी एक इंग्लिश सेंटेंस को उठा लीजिए, आपने उसमें देखा ही होगा कि उसमें हर वर्ड के बाद स्पेस दिखाई देता है हमारे पास। अब दोस्तों इस स्पेस की वजह से हम जो है एकदम बढ़िया ही तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि इतने वर्ड के बाद जो है दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कि उस गैप की वजह से हम जो है बेसिकली एक बढ़िया ही तरीके से समझ पाते हैं। अब दोस्तों इस चीज में भी हमको ऐसे ही कुछ देखने को मिल जाता है कि हमारे पास जो है एक पोर्शन जो होता है हमारे पास उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गैप देखने को मिलता है, बेसिकली जो स्पेस है वो देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो हमको दूसरा पोर्शन देखने को मिल जाता है जिससे कि हम जो है एकदम बढ़िया ही तरीके से पता लगा सकते हैं जैसे कि हम उस सेंटेंस को समझने में लगा रहे थे। अब दोस्तों मैं आपसे अगर इसके दूसरे पैरामीटर की बात करूं तो वो हमारे पास आता है कुछ एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड जो है वो भी ऐसी तरीके से कुछ काम करता है जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब दोस्तों एम्पलीट्यूड में हमारे पास थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जहां पे हमको देखने को मिलता है जो भी मतलब हमारे पास जो डाटा आता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गया था कि कंप्यूटर जो है रीड कर पाता है बाइनरी लैंग्वेज। अब दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज को मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक डाटा की जो पैटर्न की जो टर्म निकल के हमारे पास जो आ जाती है कुछ ऐसे आती है 1100001। अब दोस्तों हमारे पास जो है ये वाली कुछ ऐसी ही टर्म निकल के आ जाती है। दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज मतलब आपको मैं बताऊं कि आप जो है पढ़ेंगे इसको 11th स्टैंडर्ड के अंदर। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड के अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है आउटपुट जो है HD वीडियोस का हमारे पास कुछ बढ़िया ही तरीके से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप जरूर ये सोच ही रहे होंगे कि भैया जो है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज जो आते ही हमारे पास उसमें कितने 0 और कितने 1 मतलब हम उसको गिन सकेंगे या नहीं। दोस्तों मतलब मैं आपको बता दूं हमारे पास जो है ये वेव्स यानी कि स्पीड ऑफ लाइट तो हमारे पास ये कुछ आ जाती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की। अब दोस्तों ये स्पीड है काफी तेज ही है, मतलब एक बड़ा ही नंबर हमको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मतलब हमारे पास जो है ऐसी कुछ बाइनरी नंबर्स जो है डाटा की फॉर्म में मतलब हमारे पास आएंगे तो हम जो है इसको मतलब पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कितने 0 और कितने 1। तो दोस्तों हमारे पास एम्पलीट्यूड में कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी वाईफाई के बारे में जो भी डिटेल दी वो आपको समझ आई कि दोस्तों मतलब ये जो टॉपिक है यहीं पर ही खत्म नहीं होता है हमारे पास, ये जो टॉपिक है इसमें हमारे पास और भी कुछ नए नए मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारे पास एक टॉपिक निकल के आ जाते हैं जिसको हम कह सकते हैं सब टॉपिक। दोस्तों हमारे पास जो है इस वाईफाई के अंदर एक बढ़िया ही तरीके की साइंस छिपी रहती है जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बता दिया। और मैं आपसे अगर एक एग्जांपल में बात करूं और जो हमको क्या चीज देखने को मिलती है, दोस्तों हमारे पास जो है वाईफाई में फ्यूचर में थोड़े बहुत यूज करने वाले मिलेंगे वेव्स के जरिए, एक तो मिल जाएगी हमारे पास इंफ्रा वेव्स और मिल जाएगी हमारे पास लाइफाई वेव्स। दोस्तों लाइफाई वेव्स जो है हम जो है करीब करीब पढ़ेंगे 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर। दोस्तों हमारे पास जो भी लाइफाई वेव्स के जरिए हमारे पास वाईफाई में एक नेटवर्क कनेक्शन जो हमको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप पता ही लगा ही सकते हैं कि हमारे पास जो है लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा हमारे पास देखने को मिलती है। दोस्तों हम जो है इस चीज को कम्बाइंड कर देंगे नेटवर्क के थ्रू तो हमारे पास जो है नेटवर्क भी बढ़िया ही तरीके से तेज वाला नेटवर्क हमको मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आज की बात करूं तो वहां पर तो हम यूज कर ही रहे हैं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स।
तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेकर आता ही रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।